अभी रिसेंटली मैंने अपने 6 मंथ की डॉटर के साथ में ट्रेवल किया, और जब मैं पैकिंग करने लगी तो आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट कि मैं क्या पैक करूं क्या नहीं पैक करूं, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत कम सामान कैरी करना पसंद करते हैं, और जब 6 मंथ की डॉटर साथ में हो तो फिर एक रहता है कि ना तो सामान बहुत ज्यादा होना चाहिए ना कम सामान होना चाहिए, तो आपको ट्रैवलिंग बैग बहुत ही सोच समझ के पैक करना पड़ता है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस ट्रिप में मैंने अपनी बेबी के लिए क्या क्या उसके ट्रैवलिंग बैग में सामान रखा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं डायपर्स, ये मैंने 24 डायपर्स लिए हैं, 8 डायपर्स पर डे के हिसाब से, हम लोग 3 डेज के लिए जा रहे हैं तो इसलिए मैंने 24 डायपर्स ले लिए, हालांकि 5 to 6 डायपर यूज होते हैं बट एक्स्ट्रा मैं थोड़ा रख लिया है। फिर मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये वाइप, और इसके साथ में कुछ टॉयज जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है, और उसका ये पेसिफायर। साथ में ही मैंने रखा है ये सॉक्स, क्योंकि अगर थोड़ा सा वेदर ठंडा होता है या कुछ भी फ्लाइट वगैरह में, तो उसके लिए मैंने रखे हैं ये सॉक्स। साथ में मेडिसिन ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये मैंने एक पैरासीटामोल और ये ग्राइप वाटर रखा है, इसीलिए आप कहीं भी ट्रेवल करें बच्चे के साथ में तो ये दोनों चीज में साथ में जरूर लेके चलें। और मैंने यहाँ पे रखे हैं कुछ क्लोथ्स उसके, 3 डेज के लिए जा रहे हैं तो करीब 5-6 क्लोथ्स रखे हैं, 5-6 जोड़ी कपड़े रखे हैं। फिर साथ में मैंने कुछ रखे हैं ये नाइट वियर्स, तो पजामाज और टी शर्ट्स और शॉर्ट्स उसके, ये सब कुछ यहाँ पे है। और ये है उसका ब्लैंकेट, मैं उसका अलग से ही ब्लैंकेट लेके जा रही हूँ, मैं उसको होटल का या कहीं और का नहीं यूज़ करूँगी, तो ये उसका पर्सनल ब्लैंकेट हो जाएगा। और मैं बच्चे को पूरा टाइम डाइपर में रखना नहीं पसंद करती, इसलिए मैं ले जा रही हूँ ये प्लास्टिक की मैट, और उसके लिए कुछ उस पर बिछाने के लिए शीट्स, और ये कुछ क्लोथ नैपीज हैं, लंगोट जिनको कहते हैं, ये हो गया। अगर बात करें बेदिंग प्रोडक्ट्स की, तो बेदिंग प्रोडक्ट्स में मैं लेकर के जा रही हूँ ये मामा अर्थ के, जो कि मैं अभी करेंटली यूज कर रही हूँ, मामा अर्थ का बॉडी वॉश शैम्पू एंड लोशन, जिसका रिव्यू अभी बहुत जल्दी आने वाला है, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पाउडर की बात करें, अगर आपने इसका रिव्यू मेरा देखा ही होगा, उसका भी लिंक मैं ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सेवामेट का पाउडर, और साथ में उसकी ये टॉवल्स, में 2 टॉवल लेके जाऊंगी, तो अभी ये एक रखी हुई है, और उसके कुछ हैंकीज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी एक्चुअली हम लोग कल निकलने वाले हैं, तो अभी जो उसकी फॉर्मूला वगैरह की पैकिंग कल होने वाली है, तो इसमें मैं लेके जाने वाली हूँ गर्म पानी, रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बॉटल क्लींजर ब्रश लेके जाने वाली हूँ, मैं इसी से क्लीन करती हूँ, मैं इसका भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं अपनी बॉटल्स कैसे क्लीन करती हूँ। इसमें मैं लेके जा रही हूँ बच्चे की बॉटल साफ करने के लिए जो लिक्विड क्लींजर होता है, मैं पूरी बॉटल को बड़ी को नहीं लेके जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको छोटे पैकेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें है नारियल तेल, थोड़ा सा नारियल तेल, आपको मालूम है मैं अपने बेबी के लिए हर चीज़ के लिए नारियल का तेल ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, इन दोनों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इस पर येलो टेप बांध दिया है, जो कि है बॉटल क्लींजर। और पाउडर, मैं पाउडर एक एयर टाइट कंटेनर में मॉर्निंग में रखूंगी, और उसके साथ में मैं रखूंगी 4 to 5 फीडिंग बॉटल्स, जो कि मैं मॉर्निंग में ही पैक करूंगी। और इसके साथ में मैंने रखा था बेबी के लिए कैल्शियम, वाइटामिन D3 एंड आयरन, जो कि मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था मेरी डॉटर के लिए, जो कि शायद सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता भी है। और जब भी आप बच्चे के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप याद रखें, एक तो आपका बड़ा बैग होता है जो जनरली आप अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो नीचे रख देते हैं, और फ्लाइट में तो वो चेक इन में ही चला जाता है, और एक बैग आपको रखना है छोटा सा बैग, डायपर बैग कह सकते हो आप उसको, डायपर बैग अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप कोई भी छोटा बैग को बच्चे के सामान के लिए रख सकते, जिसमें कि बच्चे के फॉर्मूला पाउडर, गर्म पानी, बच्चे की बहुत सारी बॉटल्स और वाइप्स, डायपर, बच्चे के 2-3 जोड़ी कपड़े, और बच्चे का ब्लैंकेट, बच्चे के फेवरेट टॉयज, पेसिफायर, टीथर, ये सारी चीजें बच्चे के एक अलग बैग में आप सेपरेटली रख दें, जिससे कि आपको बार बार या तो बड़ा बैग खोलना नहीं पड़ेगा, और फ्लाइट में क्या होता है वो चेक इन में चला जाता है तो आप वैसे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बच्चे का आप सारा सामान एक छोटे से बैग में अलग सेपरेटली रखें, कि आपको जरूरत पड़ने पर बार बार बड़े सामान को नहीं खोजना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को करें लाइक, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।